اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق अल्लाह के नाम से जो बे इंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है ज़माने की कसम इंसान दर हकीकत खसारे में है सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए और नेक आमाल करते रहे और एक दूसरे को हक़ की नसीहत और सबर की तलकिन करते रहे वरहल वर्का بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد فقال الله تبارك وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر عزيز دوستو پیارے ساتھیو ماؤں خواتين خواتین اسلام یہ بہت ہی وقت سحر كوقت وقت جسمهم अल्लाह के कलाम के साथ दोबारा जमा हुए हैं इस मुबारक घड़ी में जहाँ ज़्यादा दुआएँ करने का मौका है वहाँ अल्लाह के कलाम के लिए भी कुछ वक्त निकालना ज़रूरी है तो गुज्त की मजलिस में हमने जुजाम की जो तफसीर शुरू की थी रमज़ान के आगाज़ से हमने गुज्त की मजलिस में एक अहम सूरत की तफसीर सुनने के बाद आज हम सूरत असर की तफसीर सुनने के लिए जमा हुए हैं अजीज दोस्तों ये सूरत ये इंतहाई अहम सूरत है इसे सूरत असर कहा जाता है ये सूरत बहुत ही मशहूर सूरत है और यह सूरत के अंदर अल्लाह इज़्ज़त ने जिंदगी जीने का मकसद बयान किया है और अल्लाह रब्ज़त ने बड़े बिल्कुल मुख्तर आयतों में इंसान कैसे इस ज़िंदगी में जीत सकता है अल्लाह ने बता दिया इस ताल्लुक से हम इमाम शाफी और रहमत का कौल नक़ल करना ज़रूरी समझते हैं इमाम शाफी रहमतुल्लाह रमत ने कहा कि अगर अल्लाह ने कुरान में सिर्फ़ इस आयत को अगर नाजिल करता तो काफ़ी था इंसानियत की हिदायत के लिए यानी पूरा कुरान के बजाय अल्लाह ने सिर्फ़ इस सूरत को नाजिल कर दी होती तो काफ़ी था इंसान की हिदायत के लिए लेकिन अल्लाह व करम वाला है तो इसने इंसानियत पर मज़ीद करमात किए तो उसने छः हज़ार दो सौ तीस के करीब आयतें हम पर नाजिल कर दी बजाय इसके कि सिर्फ तीन आयतें नाजिल करें तो अजीज़ दोस्तों ये ये सूरत के इस तल्लुक़ से इबन कसी रहा ने कहा कहा कि ये ऐसी सूरत है जिसके अंदर हिदायत को पूरी की पूरी हिदायत को अल्लाह ने जोड़ती है इस आयत ही इस सूरत ही की तशरीह में मज़ीद आप कुरान पढ़ेंगे तो आपको कुरान आपको बड़े अच्छे अंदाज से समझ में आएगा क्योंकि कुरान गोया एक समझिए कि इसी सूरत के नुक़ात की वजाहत करता है चलिए सूरत का आगाज़ करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल आसर वल आसरी अल्लाह ने ज़माने की कसम उठाई अल आसर के दो माने एक माना ज़माना दूसरा माना असर का वक्त जैसे हम जानते हैं फजर जहर असर मगरिब ईशा जो असर की जो बिल्कुल बीच की नमाज का वक्त है ये भी माना इसके अंदर आता है लेकिन आम तौर पर अरबी ज़बान में असर ज़माने को कहते हैं तो अक्सर मुफसर ने कहा जब कुरान ने इस माने इसके अल्फाज इस लफ्ज़ को कुरान ने जब आम रखा है तो हमको भी चाहिए कि आम ही माना लें तो उसबार से अगर आम माना लेंगे तो ये कह सकते हैं कि ज़माने की कसम अल्लाह ने ज़माने पर कसम उठाया है तो इसे मालूम हुआ कि ज़माना एक बहुत ही अहमियत वाला बहुत ही अहमियत वाली जगह है है ना दिन रात सूरज का आना और उसके बाद रात का आना रात की तारीख़ी के पर्दे छाना ये जो गर्दिश है ये कोई मामूली चीज़ नहीं और उसके बाद ये ज़माना बदलते रहता है बदलते रहता है ज़माने में कभी तरक्की होती है और कभी ज़माना नीचे उतर आता है तो इस अतबार से ज़माना अपनी गर्दिश अपनी जो है अंदाज़ से बदलते रहता है तो ये जो बदलाव है यही ज़माना है बदलाव जो है यही ज़माना है और यहाँ पर मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस याद आ रही है जिसमें आप आप्ल ने कहा ला तसबहर अल्लाह सुबहान ने कहा ला तसबुद्दहर फन दर व्लबुल्ल व व नहार बस लोग ज़माने को गाली देते हैं कैसे वो ऐसे कहते हैं कि ये ज़माना बुरा ज़माना है ये ज़माना अच्छा ज़माना है ये वक्त बुरा वक्त है ना बुरा वक्त आ गया बुरा वक्त ख़त्म हो रहा है तो फ़ला वक्त बुरा वक्त है ये जो बदशुनी लेकर वक्त को बुरा कहते हैं ये असल में वक्त को गाली दे रहे हैं क्योंकि वक्त कभी बुरा नहीं होता वक्त ये पूरे का पूरा अच्छा ही होता है अब जिन लोगों को कुछ बुराई हुई वो उनकी ग़लतियों की वजह से उनके गुनाहों से, की वजह से अल्लाह की आज़माइश की वजह से तकदीर की वजह से उन्हें वो चीज़ें आकर पहुंची हैं लेकिन वक्त कभी भी बुरा हो नहीं सकता वक्त को गाली देना इस्लाम में हराम है तो उस हदीस में जो हदीस खुदसी है जिसमें अला सबहन वाली ने कहा कि ला तसबुदहार ए लोगो ज़माने को गाली मत दो ये मत कहो कि ज़माना बुरा है ज़माना बुरा वक्त शुरू हो गया है या फिर ख़त्म हो गया है तो ज़माने को हमेशा बुरा मत कहो क्योंकि मैं खुद ज़माना हूँ अल्लाह ने कहा अनदार मैं खुद ज़माना हूँ वकलबुल्ल नहार मैं जैसे चाहे रात और दिन को बदलते रहता हूँ तो यहाँ पर अल्लाह ने कहा कि मैं खुद ज़माना हूँ क्या माना अल्लाह सुबहन ये हमेशा अल्लाह सबहाना तैाल के कुरान के अंदर देखते हैं हदीस के अंदर देखते हैं अल्लाह हमेशा बास चीज़ों की अगर अहमियत देना चाहता है तो कहता है कि खुद मैं हूँ जैसे एक मशहूर हदीस में देखते हैं जिसमें अल्लाह सुबहाना ताली ने एक क़्यामत के बंदे को उठाएगा और उससे गुफ्तु करेगा और कहेगा कि मैं बीमार था तो मेरे पास नहीं आया मैं तेरे पास माल मांगा लेकिन तूने मुझे नहीं दिया तो उस हदीस के आखिरी में बात मालूम होती है कि अल्लाह ने जब यह कहा कि मैं बीमार था तो अल्लाह बीमार नहीं था नौ बल्कि एक बंदा था अल्लाह का जो बीमार था और तूने तो उस बीमार के बंदे को मदद नहीं की बीमारी के बंदे को मदद नहीं की तो अल्लाह अल्ला ने इस यानी बीमार की इयादत की अहमियत को उजागर करने के लिए यहाँ पर अल्लाह ने खुद अपने आप को रखा है अ ये उसलूब हम शरीत के अंदर देखते हैं कि जा बजा ये उसलुब इस्तेमाल हुआ है जा बजा ये उसतुम इस्तेमाल हो जैसे हम एक दूसरे का देखते हैं इन तनसर को यानी अल्लाह की तुम मदद करोगे कि अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा यानी हम अल्लाह की मदद कैसे कर सकते हैं हम कमजोर लोग हैं अल्लाह की मदद की जरूरत नहीं है अल्लाह को कौन कर सकता है अल्लाह की मदद तो इसे तो बात मालूम हुई कि अल्लाह की मदद नहीं माना ये कि अल्लाह के दीन की मदद अल्लाह के दीन की मदद करेंगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा तो अल्लाह की दीन की मदद को यहाँ पर दीन के रफ्स को हटाकर अल्लाह ने कहा कि मेरी मदद तो ये उसलूब तरीक़ा हम हमारी शरीयत में देखते हैं कुरान हदीस के अंदर उसलूब मौजूद है तो यहाँ पर यह जब यह कहा गया कि मैं ज़माना हूँ तो अल्लाह ज़माना नहीं है अल्लाह तो ऊपर अश पर मुस्तवी है सुबहाना हुआ चाला तो यहाँ पर वो ज़माने की अहमियत बताने के लिए अल्लाह ने कहा कि खुद मैं ज़माना हूँ गाली मुझे मत मुझे मत दो जमाने को गाली मत दो क्योंकि ज़माने को बदा करने वाला मैं हूँ मैं ज़माने का खालिक हूँ जब तुम ज़माने को गाली दोगे गोया कि तुमने मुझे गाली दी है तो ये माना है इसका तो इस वजह से अजीज़ दोस्तों ये ज़माना जो है ये कभी बुरा नहीं होता है हमेशा अच्छा होता है लोग पूछते हैं कि सुबह का वक्त अच्छा है नहीं याद रख लीजिए हर वक्त अच्छा है इंसान के लिए कोई वक्त बुरा नहीं होता बदशोनी लेना इस्लाम में जायज़ नहीं अच्छा शगुन लेना इस्लाम में जायज़ है ये कहना कि हम हमेशा हमारा वक्त अच्छा है अच्छा वक्त शुरू होगा ये अच्छा वक्त है अच्छा वक्त है ये कहना जायज़ है लेकिन इसके बरक्स इसके जो पेड़ है बुरा वक्त उसे कहना बिल्कुल जायज़ नहीं ये शरीय से हमको यही बात मालूम होती है तो देखिए कितनी बेहतरीन शरीयत है हमारे पास कोई बुरा वक्त कोई अच्छा वक्त नहीं है हमारे पास पूरा ही अच्छा वक्त है तो ये ये बात अजीजों से याद रखनी चाहिए तो वल आसर ज़माने की कसम क्योंकि ज़माने के अंदर बहुत सारी खूबियाँ हैं ज़माना एक कंटेनर है जिसमें हर वाक़ पेश आते हैं अनव आल माना जाना और उसके बाद नेक लोगों का आना जाना बुरे लोगों का आना जाना ज़माने जमान के, के अंदर तब्दीलियाँ ये सब ज़माने के अंदर होता है तो ये ये ख़ुद एक बहुत बड़ी चीज़ है एक ऐसा एक ऐसी जगह जहाँ पर इतना सब कुछ हो ये बहुत बड़ी चीज़ है तो इसीलिए अल्लाह ने ज़माने पर कसम उठाई वो अल और इसलिए भी ज़माने पर कसम उठाई गई क्योंकि अब जो बातें बताई जाएंगी उसका ताल्लुक इंसान के ज़माने से हर फर्द वो अपने ज़िंदगी ज़िंदगी खुद जमाने में होती है ना वो अपनी ज़िंदगी कैसे निभाए ज़िंदगी कैसे बनाए कैसे उसे सेट करे उस तल्लु से आगे चलकर हिदायत देने वाली दी दी जाने वाली है इसलिए यहाँ पर ज़माने पर कसम उठाया गया है तो बहुत ही अहम सूरत है जीज़ दो ससर और साहबा रजून आजमयी के तल्लुक से आया है कि ये जब भी अपनी मजलिस ख़त्म करते तो आपस में ये सूरतें पढ़कर कर तलकिन करते थे आपस में गोया कि सूरत पढ़ के याद दिलाते थे, थे कि देखे हम जो है क्योंकि ये आया ये आने वाले आयत में आप देखेंगे कि इसी मौजू को छेड़ा गया है तो आपस में हक़ की बात करने के ताल्लुक से तो ये ये सूरत गोया के सहाबा रजवान मजामी के सामने हमेशा हुआ करती थी और ये सूरत को अक्सर पढ़ा करते थे और ये सूरत मौजू के अतबार से मालूम होती है कि मक्की सूरत है कोई हरज नहीं कि यह सूरत दो मरतबा नाजिल हुई हो अल्लाह अल्लाम लेकिन ये सूरत मक्की सूरत है मौजू के अतबार से लफी खसर जब कसम उठाई गई तो कसम का बदला रीज़न सुनाया जा रहा है कि बिलाशुबा इंसान खसारे में है बिलाशुबा इंसान खसारे में है नुकसान में हैल इंसान लफी खसर इंसान खसारे में है अमन आमिनिहा अच्छा इंसान खसारे में है क्या माना और देखिए इस बात को इतनी ताक़द से कहा गया है पहले तो कसम उठाई गई फिर उसके आगे एक इन्ना को डाल दिया गया है और उसके बाद एक लाम की इजाफत कर दी गई है फ़ी पर इन इंसान लफ़ी खसर फ़ी पर एक लाम डालकर इस्लाम को लामजाह मज़ाहका कहते हैं यानी बात की ताकत को बहुत ज़्यादा बढ़ाई गई है इसके अंदर मानों को बहुत ज़्यादा उसकी अहमियत दी गई है इसलिए इसके अंदर ये अल्फ़ इनका इस्तेमाल हुआ है इन नल इंसान लफ़ी खसर इंसान खसारे में क्या माना खसारे में है क्या माना क्या हम यानी जो भी पैदा होता है खजारे में है इस आयत की रोशनी में बात अच्छी तरीके से मालूम हो जाती है कि इंसान का अपने आप को बचाकर जन्नत में लेकर जाना ये इसकी जीत है अगर ये नहीं करेगा तो खसारा उठाएगा यानी अपने आप को अगर वो शैतान के शिकंजों से बचा लेगा नरगे से बच जाएगा तो गोया के वो ही है जो इस ज़िंदगी से फ़ायदा उठाया है इसके अलावा जो भी कुछ वो करेगा नुकसान में है यानी ये सोच उसके अंदर नहीं है कि वो जन्नत को जाना है और दुनिया की ज़िंदगी को मैं बतौर इन्वेस्टमेंट आख़िरत के लिए मुझे करना है अगर ये वो सोच नहीं रहा है तो वो नुकसान उठाने वाला है यानी जो लोग इनकार करते हैं वो भी नुकसान उठा रहे हैं जो लोग गफलत में पड़े हैं वो भी नुकसान उठा रहे हैं और जो लोग लो आखिरत को कोई अहमियत नहीं देते इस ताल्लुक से कोई तैयारी नहीं है ये भी नुकसान उठाने वाले हैं यानी डिफॉल्ट ज़िंदगी इंसान की इस दुनिया में खसारत की है अगर उसने इस दुनिया से निकलने के बाद की तैयारी नहीं की तो वो खसारे में है तो ये अजीज दोस्तों यहाँ पर जैसे मैंने आपको पहले बताया मक्की सुरोतों में जहाँ कहीं भी इंसान कहा गया तो उसे आम तौर पर मुराद काफिर होता है और वो भी इंसान इसमें दाखिल है जो कि मुसलमान है लेकिन उसके अंदर ईमानी कमज़ोरी है इस्लाम की कमज़ोरी है तो वो भी इसके अंदर दाखिल है वो भी इंसान में शुमार होता है तो इन नल इंसान खुसर इंसान खसारत में है यानी डिफ़ॉल्ट पोजीशन बताया गया देखिए सुफहाना क्या बेहतरीन अंदाज़ है बात बताने का पहले इंसान की अवकात बता दी गई उसकी हैसियत बता दी गई कि भाई वो क्या है वो नुकसान उठाएगा बजाय बजज़ उन लोगों के जिनका जिक्र आने वाला है उसके बाद एक्सेप्शन किया गया ताकि एक्सेप्शन जिस पर किया गया है उसकी अहमियत जा पाए देखिए यहां पर जनरली कह दिया गया कि सब इंसान सब इंसान नुकसान उठाने वाले हैं डिफॉल्ट पोजिशन है अच्छा कौन फायदा उठाएंगे ईमान लाए और नेक अमल किया जो लोग ईमान लाए और नेक अमल किए व तो सोबिल हक और हक की तलकीन अपने अंदर करते रहे वाहबिल सबर आपस में सबर का हुक्म देते रहे तो ये चार काम करने वाले गोया के वो जो खसारत ठाने वाला इंसान है उससे अलग हैं वो वो इंसानियत से वो बाहर निकल आए हैं चार लोग ईमान नेक आमाल हक़ की तलकिन सबर की तलकीन तो पहले ईमान ईमान किसे कहते हैं अज़ीज़ दोस्तों ईमान का माना है ईमान का माना है कि आप पुख्ता भरोसा रखें और इसे ज़बान से अदा करें और इसे दिल से अदा करें और साथ साथ उस पर अमल करें ज़बान दिलअमल अलबिलिससान वाममलबिलआरकैन वल व तस्दीक बिलजनैन यानी ज़बान से इसे अदा करें लामदरसोल्ला ला और उसके बाद दिल से इस पर भरोसा करें और उसके बाद अपने जिसम के आज़ाद से इस पर अमल करें यही ईमान अजीज दोस्तों यानी अमल ईमान में दाखिल है आदमी नेक अमल करेगा तो वो अपने ईमान को पुख्ता करेगा आदमी बुरा अमल करेगा तो वो अपने ईमान को कमज़ोर कंजू, कर बैठेगा तो ईमान का गहरा ताल्लुक़ है इंसान के अमल से जो लोग ईमान लाए अमल नहीं करना चाहते इनका ईमान बेकार है असल में इनका दावा ही बेकार है क्योंकि बग़ैर अमल की ईमान हो नहीं सकता अगर किसी ने कहा कि मैं अमल करना चाहता हूँ लेकिन ईमान लाना नहीं चाहता उसे दिल से करार करना नहीं चाहता इसका अमल करना भी बेकार है तो हक़ दोनों के दरमियान है हक दोनों को जोड़ना है ईमान के साथ साथ अमल को जोड़ना है तो ईमान एक बहुत ही गहरा अक़ीदे का मामला है जिस दोस्तों इस तल्ल से हम हमारे मरकज़ में कभी कभार अक़ीदे के एक मुस्तकिल कोर्स चलाते हैं जिसमें हम ईमान और उसके अरकान की तफसीली गुफ्तगू करते हैं तो ये बहुत ही अहम लफ्ज़ ईमान ये बहुत ही अहम है एक ऐसा टर्मिनोलॉजी है हमारे इस्लाम के अंदर जिसकी जो है मजीद और मज़ीद इल्म हासिल करते रहना चाहिए उसी तरीके से ईमान ईमान की ज़िद्द है निफाक ईमान का ताल्लुक अजीजों दिल से है जहाँ ज़बान अमल और दिल है उसमें दिल से ईमान का भी ताल्लुक है यानी ज़ाहरी तौर पर ईमान नज़र नहीं आता ज़ाहरी तौर पर अमल नज़र आता है यानी इस्लाम नज़र आता है तो इस्लाम और ईमान में आप फर्क करेंगे इस इस्लाम ये ज़ाहरी अमाल का नाम है ईमान इसका ताल्लुक दिल से है तो जो जाहरी अमाल हैं इसे हो सकता है कि मुनाफिक भी कर ले इसीलिए वो किसी भी इस्लामी माशरे में किसी भी माशरे में मुसलमान कह लेकिन अगर उसका दिल ईमान से खाली है तो बिल्कुल बेकार है उसका अमल करना बिल्कुल बेकार है तो दिल में ईमान होना बहुत ज़रूरी है इसीलिए हम उस मशहूर मशहूर हदीस को भी जानते हैं जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि क़यामत के दिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म होगा कि वो जाएँ जाके जो इनकी उम्मत में से जहन्नम चले गए हैं उन्हें निकाल कर लाएँ तो आप सला वसलम जाएंगे और जिनके दिल में ईमान होगा उन्हें निकाल कर लाएंगे फिर आप सल्लल्लाहु आपसम दुआ करेंगे फिर इजाज़त मिलेगी फिर जाएंगे ईमान राय के दाने से भी अगर कम हो

अलईमानबल ही व मलाकती वतुबी ही व रसो वल आखिर वल़द्र खैर छः चीज़ों पर अल्लाह पर ईमान अल्लाह के मलाइका पर ईमान अल्लाह के रसूलों पर ईमान अल्लाह की किताबों पर ईमान योम योमियामत पर ईमान तकदीर पर ईमान ये छः चीज़ें हैं जो बहुत ही अहम हैं कितने हम में से हैं जो इसकी तफसील नहीं जानते कितने हम में से हैं जो अल्लाह पर ईमान लाने के जो है तरीक़ों को नहीं जानते तोहैद के तरीक़े को नहीं जानते कितने हमें से जो मलाइका पर कैसे ईमान लाना इसकी तफसी नहीं जानते तो अजीज दोस्तों ईमान एक मस्तिल सब्जेक्ट है और इसे पढ़ना चाहिए इसीलिए हम हम मरकज़ में जैसे मैंने बताया एक इस पर मुस्तिल कोर्स चलाते हैं इन शाह इसकी रिकॉर्डिंग भी हम मुस्तकिल कर देंगे ताकि दूर दराज वाले इससे फ़ायदा उठाएँ तो अजीन अहमन व सालिहात व आमिलोम साल जिन लोगों ने साल नेक आमाल किए नेक आमाल जिन्होंने किए वो भी बच जाएंगे तो ईमान उसके बाद अमल ये दो काफ़ी नहीं है खसारा से बचने के लिए ये दो काफ़ी नहीं है ये दो इल्म है ईमान और अमल आप ईमान ला लिए आपने अमल कर लिया इतने में मामला ख़त्म नहीं होता व बिल हक अब ये जो हक है ईमान जो है हक़ है इसकी दावत होनी चाहिए अल्लाह इस आयत में दावत व तबलीग की तरफ इशारा है व तोा हक इसकी दावत तबलीग होनी चाहिए इसे आप जैसे अख्तियार कर चुके हैं इसे दूसरों तक तो पहुंचाएं ये ईमान में दाखिल है आपके यानी ये नहीं कि आपने जान लिया आप बैठ गए ये ईमान हो नहीं सकता ईमान की खासियत नहीं है ईमान फैलता है इस्लाम फैलता है आप सिर्फ अपनी जगह ऐसे बैठ जाए ये मुमकिन नहीं है हाथ पर हाथ धरे मुंतजर फरदा जिसे कहा जाता है कि बात के इंतज़ार में बैठे रहे ये होता नहीं है ईमान आने के बाद इसकी इतनी गर्मी होती है कि लोगों तक पहुंचता है बड़ी तेज़ी से पहुँचता है इसीलिए हम देखते हैं कि जो भी साहबा जब शुरू में ईमान लाए सिद्दीक हो गए बिन तलह हो गए और ज़ुबैर बिन अव हो गए अब्दुलरहमान बिन ओफ हो गए ऊसमान बिन आफ़ान गनी हो गए ये इन्होंने जब शुरू में ईमान लाया तो ये लोग जाए लोगों को जोक दर जोख लोगों को इस्लाम में दाखिल करवाया जिस दिन ओबकर ईमान लाए उन्होंने उसी दिन चार पाँच लोगों को इस्लाम में दाखिल करवा दिया और कैसे लोग थे वो जो आगे चल के बड़े बड़े अब्दुलरहमान बिन ओफ जैसी शख्सियत बिन् जैसी शख्सियत सईद बिन जयद जैसी शख्सियत जो आगे चल के आयशर मुबशरीन बिल जिन्हें दुनिया में ही जन्नत की बशारत दे दी गई उन लोगों में लोग शुमार होते हैं तो ये बकर सिद्दीक रज्ला शुरू की मेहनत थी तोल्ला ये ई ईमान की हरारत है दोस्तों जो लोग ईमान की दावत दावा करते हैं और कहते हैं कि भाई मुझे दूसरों तक पहुँचाना नहीं आता मैं काम नहीं कर सकता ये अपने आप को धोखा दे रहे हैं ईमान की हरारत ऐसी नहीं है ईमान की हरारत दूसरों तक पहुँचाना है ईमान ये जो है रोशनी जैसा है दूसरों तक तो इसे फ़ायदे के लिए पहुंचाना ही पहुंचाना ये फैलता है तो उसके तरफ इशारा है तो बिलह तवासा ये तवासा तवासिन फोम तोन ये वसीय से निकला है ये इसका ताल्लुक बाब तफ़ाउल से है बाब तफ़ाउल इन अरबी ग्रामर की बात कर रहा हूँ मैं बाब तफाउल ये जो एक सिगा है एक 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 चीज़ है अरबी ग्रामर के अंदर जो इस्तेमाल उस वक्त करते हैं जब किसी दो शख्स के दरमियान कुछ काम हो देखिए कत्ल करना मालूम है तकातला आपस में एक दूसरे को कतल करने के लिए मेहनतें करना तकातला उसी तरीके से तवासा एक दूसरे की वसीयत करते रहना दोनों तरफ से काम म्यूचुअल ये काम चलता रहे व तो आपस में वसीयतें करते रहें किस चीज़ की हक हक एक ऐसा आम लफ्ज़ है इसमें आप ईमान इस्लाम आमाज सब कुछ दाखिल हो गए हक की तलकिन करते रहे आपस में आपस में हक़ की तलकिन यानी एक दूसरे को याद दिलाते रहे इसमें अजीज़ दोस्तों दावत की पूरी बात आ गई और इसमें तबलीग की पूरी बातें आ गई और, बात और उसके बाद अलमर वालमाफ अन्ही अनिलमुनकर का पूरा वो जो कॉन्सेप्ट है ये लफ्ज़ के अंदर आ गया है यानी अच्छाई का हुक्म देना बुराई से रोकना और इसके लिए मेहनत करना और इसके लिए एक सेटअप बनाना किसी भी माशरे में

वो ये है कि तुम में से ऐसा एक ग्रोह है ऐसी एक ग्रुप है जो अच्छाई का हुक्म देती है बुराई से रोकती है तो अच्छाई का हुक्म देना बुराई से रोकना ये इस उम्मत का हादसा है इस उम्मत का एक स्पेशल चीज़ है एक स्पेशल एक एंटिटी समझिए आप इसके बगैर ये उम्मत का ढांचा नहीं खड़ा हो सकता अच्छाई का हुक्म देना बुराई से रोकना कितनी कुरान के आयतें हैं जिसमें अल्लाह ने जा बजा ये कहा कि ये जो मोमिन हैं इनका काम ही अच्छाई का हुक्म देना बुराई से रोकना ये काम ये जो मैकेनिज्म है इनके अंदर हमेशा काम करते रहता है अगर ये मैकेनिज्म अगर मार खा गया यानी ये रुक गए लोग अच्छाई को हुक्म देना बुराई से रोकना इन्होंने इससे अपने आप को रोक लिया तो उम्मत का ढांचा उम्मत का जो सायाबान है वो गिर जाएगा कितनी मुसीबत की बात है कि आज हमारे माशरे में लोग सिर्फ ये कहते हैं कि भाई आप अच्छाई बोलते रहें बुराई से ना रोकें ये मुमकिन नहीं है अच्छाई अगर आ जाए वो खुद ब खुद बुराई को बाहर निकाल देती है एक आदमी बैक वक्त शराबी और ईमान वाला हो नहीं सकता एक आदमी बैक वक्त पक्का झोटा और साथ साथ ईमानदार मुमकिन नहीं एक आदमी तजारत में हर खपले करे और मस्जिद में आके नमाज ही बन जाए ये ये खुद अपने आप को धोखा दे रहा है ऐसा मुमकिन नहीं है ऐसा मुमकिन नहीं अच्छाइयाँ आती हैं तो बुराइयों को भेज देती हैं कुरान ने कहा इन हसनाती सैयात हसनात अच्छाइयाँ जब आती हैं बुराइयों को भेजती रहती हैं बुराइयों को सुन्नत आ गई तो बदात ख़त्म तोहद आ गया तो शर ख़त्म अगर शर किसी जगह आ गया तो तोहिद वहाँ से निकल जाता है अगर कहीं किसी माशरे में बदात की तरवीज हो जाए बिदात जड़ पकड़ ले वहाँ से सुन्नत से दूर हो जाते हैं लोग तो ये जो बुराइयाँ हैं ये अच्छाइयाँ आने की वजह से हट जाती हैं तो सिर्फ अच्छाई फैलाना और बुराइयों से लोगों को नहीं रोकना ये बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है और अल्लाह ने बनी इसराइल पर लानत भेजी और साथ साथ ये कहा यानी इनके पास ख़ामी थी कि तो अच्छाई तो कर लेते थे लेकिन इनके अंदर जो बुराई से रोकना वो तो था वो नहीं करते थे आपस में अच्छी बातें कर लिए उठ के चले गए लेकिन इनके अंदर जो माशरे में बुराइयाँ होती हैं इन बुराइयों को रोकने के लिए इनके पास कोई एक सिस्टम नहीं था यानी आपस में एक किसी को बुराई में देखे तो बुराई से रोकते नहीं थे किसी को किसी गलती में देखा ये नहीं कहा कि भाई आप ऐसा ना करें इसे अपने आप बचा लें ये चीज़ नहीं थी तो इसलिए उन पर अजाब आया और बर्बाद कर दिए गए तो जिस दोस्तों अच्छाई का हुक्म देना और बुराई से रोकना ये मेकानिज़म व तवास बिलहक के अंदर दाखिल है तो देखिए कितनी अहम बात है यानी पहला ईमान लाएं उस पर अमल करें और इसकी दावत का काम करें सुबह कितना लॉजिकल है देखिए ईमान आप खुद लाएं आप खुद जान लें इन हासिल करने और उस पर अमल करें सबसे पहले और उसके बाद इस चीज़ को लेकर दूसरों तक जाए दूसरों तक इस चीज़ को पहुंचाने की कोशिश करेंगे इतने माने सुबहाना ये बहुत ही माना खेज सूरत है दोस्तों इस उलमा ने बहुत कुछ लिखा है इसलिए मैंने सोचा कि आज का ये प्रोग्राम सिर्फ इस सूरत पर हो जाए ताकि कम अज़ कम हम इसके एक अहम बातों को आपके सामने रख पाएँ तो व तवा सोबिलह उसके बाद व तवा सो बब्र यानी जब आप दावत का काम करेंगे आप ये कहेंगे कि भाई इसको करो इसको मत करो ये ईमान है ये ईमान के ख़िलाफ़ है ये चीज़ सुन्नत है ये बिदात है ये चीज़ तोहद है ये चीज़ शर्क है अल्लाह ही की बात करनी चाहिए किसी और की इबादत नहीं करनी चाहिए नमाजें ऐसे पढ़ते हैं दुनियादारी हमेशा नहीं है दुनियादारी छोड़ कर अल्लाह के राह में आएँ वक्त निकाले नमाज़ पढ़ें और रोज़े रखें और उसके बाद अल्लाह के राह में खर्च करें जब भी आप अच्छाई का एक मेकानिज़म शुरू करेंगे अच्छाई बोलना शुरू करेंगे तो याद रख लीजिए सबसे पहले चीज जिसका आपको सामना करना पड़ेगा वो है मुखालफत वो है कि लोग आपके खिलाफ हो जाएंगे लोग कहेंगे कि भाई तुम तुम्हारा मुंह बंद करो तुम तुम्हारी जबान बंद करो तुम ये मत कहो तुम ये मत कहो तो जब आप लोगों के दरमियान इस चीज को लेकर जाएंगे तो सबसे पहले मुखालफत आप झेलेंगे ये चीज आपको झेलने को मिलेगी यही हुआ नबी सा के पास लोग ईमान कम लाए लेकिन मुखालफतें बहुत ज़्यादा थी आपने आगाज़ किया तो गिनती के चंद लोग थे मुठ्ठी भर लोग थे जिन्होंने ईमान लाया लेकिन मुखालफतें पूरी मक्के की वादी भर गई दुश्मनों की तैदाद बहुत ज़्यादा चारों तरफ से आ गई उन्होंने संग बारी की क्या क्या अजियतें नहीं दी तो मुखालफत का आना जरूरी है आप दावत का काम नहीं करेंगे अच्छाई का हुक्म बुराई से रोकना ये नहीं करेंगे कोई मुखालफत नहीं करेगा आपकी कोई मुखालफत नहीं आपको बल्कि तारीफ करेंगे भाई अच्छा काम कर रहा है लेकिन मुखालफतें लड़ाई झगड़ा मामला बिगड़ेगा उस वक्त जब आपने जबान खोल कर कुछ कहा और इस्लाम में कहता है कि आपको अच्छाई को बोलना जरूरी है तो उस पर जो मुखालफतें आएंगी वह तो वा सोबर उस पर सबर करना है और आपस में सब्र की तलखीन करना है इस पर भी मिलकर काम करना है यानी इस आयत के अंदर मिलकर काम करने का तस्वुर दिया गया ये नहीं कि एक दो मिलकर नहीं एक ग्रुप की शक्ल में एक 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 जमात की शक्ल में मिलकर काम करें अच्छाई का हुक्म बुराई का ये सिलसिला आप शुरू करेंगे मुखालफें आएंगी तो आपस में सब्र करने के लिए भी तल्खीन की ज़रूरत है आपस में एक दूसरे को झेलना जानना चाहिए आने वाली मुसीबतों को संभालना सीखना चाहिए तो यही माना है जीजो सतवा सो का तो बहुत सारी बातें सब्र सबर क्या चीज़ है सबर कमाना क्या है सबर कमाना सबर कमाना ये है कि आप वो हरकत ना करें जिससे अल्लाह ना खुश हो जाए क्योंकि जब आदमी को सब्र करना है वो उसके अलावा कुछ कर नहीं सकता लेकिन उस मौके पर अल्लाह की नाफरमानी ना, ना करें यानी मिसाल के तौर तो पर अगर किसी के यहाँ किसी कोई गुज़र गए हैं आप उधर गए और आपने कहा कि सब्र कीजिए तो आप वो सबर के अलावा करेंगे क्या दोबारा तो ज़िंदा नहीं कर सकते वो गम वो झेलते हुए सबर के अलावा कुछ कर नहीं सकते लेकिन माना ये कि उस मौके पर कोई हराम काम ना कर दें यानी चीख कर बिल बिला कर रोए ना कपड़ों को फाड़े ना सर को पीटे ना सीनों को पीटेना खामोशी से दीन की तबाह करते रहें और झेलें इसे इसे बर्दाश्त करें टॉलरेट करें सबर के भी बहुत सारे मान अजीज़ दोस्तों मैं समझता हूँ कि वक्त हुआ चाहता है इन शा मजलिस में एक दूसरी सूरत के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे तब तक के लिए इजाज़त दीजिए اور اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ سبحانہ تمام پریشانیوں کو دور کر کے ہمیں دنیا اور آخرت میں چین و سکون سے زندگی گزارنے کی توفیق بخشے. اقول قول هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئه فاستغفروه انه الغفور الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته